हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे बहुत पुराने ब्लॉगिंग वीडियो में। ये पुराना ब्लॉगिंग वीडियो नाइट का होने वाला है और नाइट का ब्लॉगिंग वीडियो मैं बनाने के लिए इस वजह से चला गया था भाई कि मैं सोच रहा था कि जब मेरा नाइट का ब्लॉगिंग वीडियो मेरे मोबाइल से जब सही क्लीन दिखेगा तो मैं नाइट में ही अधिकतर ब्लॉगिंग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नाइट के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक रहते हैं। इसी वजह से मैं अपना स्केटिंग शूज जब मोबाइल लेकर निकल गया था और फिर ब्लॉगिंग करने के लिए मैंने एक जगह पर बैठ करके स्केटिंग शूज पहन ओढ़ करके फिर निकला। उसके बाद मैंने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा ही पब्लिक जा रही थी और ये गर्मी का टाइम था, तो गर्मी के टाइम में भाई उस टाइम बहुत सारे लोग बाहर ही रहते थे। इसी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फिर भी भाई मुझे उस टाइम मुझे चलाने के बराबर ढंग नहीं था। इसी वजह से मैं स्केटिंग शूज पर कुछ ज़्यादा नहीं करता था, सिर्फ चलता था और ऐसे कभी कभार इधर उधर हाथ कर लेता था। मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम जब मैं चलाना सीख रहा था। लेकिन भाई उस टाइम मेरा ब्लॉगिंग वीडियो था, मैं उस टाइम डालने से डरता था, क्योंकि भाई उस टाइम मेरे जो चलाने का बराबर ढंग भी नहीं था और मैं स्केटिंग शूज के बारे में कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने बहुत ज़्यादा इस पर मतलब अध्ययन किया, जानकारी हासिल की यूट्यूब के जरिए, कुछ अपने भी कोशिश करके फिर चलाना सीखा, स्टंट मारना सीखा। जो अकेले हो तो भाई तुम्हें बहुत वक्त लगने वाली है स्केटिंग शूज चलाना सीखने में। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगी आगे आने वाले वक्त में। जो कोई भी चलाना सीख रहा है भाई और अकेले सीखना चाहता है तो वक्त तो बहुत लगेगी भाई, लेकिन जब चलाना सीख जाओगे तो भाई उड़ने के जैसा एहसास होगा। ये मैं चला तो लेता हूँ ना, लेकिन भाई जब मुझे चलाने का ढंग नहीं था ना तो मेरी बहुत इंसल्ट होती थी। तो आप सभी लोगों को भाई अच्छी अच्छी जगहों पर मतलब जहाँ शांत हो उसी जगह पर चलाना सीखना, क्योंकि भाई ये मैंने ऐसे जगहों पर सीखा है कि भाई जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती थी उस जगहों पर मैंने सीखा है। और सीखने के बाद भाई धीरे धीरे करके मैं चलना चालू किया हूँ और ये बहुत भाई मेरा पुराना ब्लॉगिंग वीडियो है और इसमें भाई सिर्फ मैं चल ही रहा हूँ, कहीं पर स्टंट नहीं मारता हूँ, क्योंकि भाई उस टाइम मैं स्टंट के बारे में जानता ही नहीं था। स्टंट के बारे में जल्द ही जाना हूँ, तो इसी वजह से मैं सोचा भाई चलो पुराना वाला ब्लॉगिंग वीडियो डाल दूँ, नहीं तो भाई नया वाला जब डालने लगूंगा तो मेरा पुराना वाला कोई देखने ही वाला नहीं रहेगा, क्योंकि भाई जब अच्छा दिखेगा तो पूरा पुराना कौन देखेगा। इसी वजह से ये मैं अपने यादों के लिए यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। आप सभी लोग का भाई देखना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, मेरा पुराना भी वीडियो देखेंगे कि नहीं। अगर इस पुराने वाले ब्लॉगिंग वीडियो में आप सभी लोगों को मजा आए तो भाई आप सभी लाइक करना, कमेंट भी कर देना भाई लोग, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो आप सभी लोगों को अच्छा और इंटरेस्टिंग लगेगा। और उस वीडियो में मैं अच्छे तरीके से चला करके स्टैंड टू स्टैंड कर और सभी पब्लिकों को दिखाते हुए तभी निकलूंगा। बाय बाय दोस्तों।